गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको एक खाली टीन कनस्तर से बहुत ही कमाल का वुड स्टोव बनाकर दिखाने वाले हैं। आप इसे सिगड़ी या फिर चूल्हा भी कह सकते हो। इसकी मदद से आप अपने घर का खाना पीना बना सकते हो। और जैसे कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इससे आप अपने हाथों को सेक सकते हो, नहाने के लिए पानी गर्म कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपकी गैस और बिजली दोनों की बचत होगी। तो गाइस यार, हम इस वुड स्टोव को किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो आइए अपनी वीडियो में देख लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने एक खाली टीन कनस्तर लिया है और ये आपको किसी भी हलवाई की दुकान पर 10 या 20 रुपए का मिल जाएगा। और इसे अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छी तरीके से साफ कर लेना है। आप देख सकते हो कि मैं इसे अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छी तरीके से साफ कर लिया हूँ। और अब इसमें राख के लिए, लकड़ी के लिए और इससे धुआं निकलने के लिए हमें कटिंग करना होगा। तो फटाफट से हम इसमें मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर राख के लिए, यहाँ पर लकड़ी के लिए और इसके पीछे साइड पर हमने धुआं निकलने के लिए कटिंग कर ली है। और इसे हमने ऊपर साइड से भी कट कर लिया है। और अब इसे रख देना है साइड में। और फिर हमें लेना है एक तसला में बालू और सीमेंट, और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें पानी को भी मिला देना है। तो गाइस, हमारा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। और अब इसे क्या करना है कि अपने टीन कनस्तर के नीचे साइड पर कुछ इस तरीके से चारों तरफ बिछा देना है। गाइस, आप देख सकते हो कि हमने इसके चारों तरफ मसाले को अच्छी तरीके से बिछा लिया है और इसे हमने इसके लेवल पर कर लिया है। और अब इसके बाद हमने थर्माकोल से कुछ इस टाइप के दो पीस कट किए हैं और इन दोनों पीसेस को इस राख वाले होल में कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। और इसके बाद हमने थर्माकोल से दो और पीस कट किए हैं और इन दोनों पीसेस को हम टीन कनस्तर के एकदम बीचों बीच फिक्स कर देंगे। और गाइस, जो इसके चारों तरफ गैप है, इस गैप को हमें मसाले से भरना है। तो फटाफट से हम इसके चारों तरफ मसाले को भर देते हैं। गाइस, हमने इसके चारों किनारियों को अच्छे तरीके से भर दिया है। और इसके बाद हमने एक मोटे तार से कुछ इस टाइप के 10 से 12 पीस कट किए हैं और इन सभी पीसेस को हम इसके अंदर साइड थोड़ा थोड़ा गैप दे करके कुछ इस तरीके से बिछा देंगे और एक जाली का आकार दे देंगे। तो हमने सभी तार को थोड़ा थोड़ा गैप दे करके अच्छे तरीके से बिछा दिया है। और इसके बाद हमने थर्माकोल से और भी काफ़ी सारे पीस कट किए हैं और इन सभी पीसेस को हम क्या करेंगे कि जो हमने टीन कनस्तर में लकड़ी के लिए कट किया था, उसमें इन सभी पीसेस को कुछ इस तरीके से फिक्स कर देंगे। और अब गाइस, फिर से इसके चारों किनारों को मसाले से भर देना है।
और अब हम लेंगे एक लोहे का पाइप और इसके एक सिरे में हम थर्माकोल का एक छोटा सा टुकड़ा लगा देंगे ताकि इसमें मसाला ना भरे। और इसे क्या करना है कि जो हमने टीन कनस्तर में धुएं के लिए होल किया था उस होल में हम इस पाइप को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम लेंगे एक प्लास्टिक की बाल्टी और इस बाल्टी को हम टीन कनस्तर के एकदम बीचों बीच सेंटर में रखेंगे और फिर इसके चारों तरफ मसाला भर देंगे। तो गाइस हमारा स्टोव बनकर तैयार हो चुका है और अभी इसे 10 से 12 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसका जो मसाला है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। गाइस हमें 11 से 12 घंटे हो चुके हैं और इसका मसाला एकदम अच्छे तरीके से सेट हो चुका है और अब हमें इस बाल्टी को इससे निकालना है। लेकिन हमारी जो बाल्टी है ये मसाले के साथ एकदम टाइटली सेट हो चुकी है। हमने इसमें एक गलती कर दी कि जब हमने इसमें बाल्टी को लगाया था तब इसके चारों तरफ हमें ऑयल लगा लेना चाहिए था ताकि हमारी बाल्टी आसानी से निकल आए, लेकिन हमने इसमें ऑयल नहीं लगाया, इस वजह से हमारी बाल्टी इसमें फंस गई है। लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल ही मत करना, जब आप इसमें बाल्टी लगाओ तो इसके चारों तरफ आप ऑयल लगा लेना ताकि हमारी बाल्टी आसानी से निकल आए। लेकिन कैसे भी करके हमें इस बाल्टी को इससे निकालना होगा। तो गाइस काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली हमारी बाल्टी निकल चुकी है और अब हमें क्या करना है कि जो इसके अंदर थर्माकोल है इस थर्माकोल को भी हमें निकाल लेना है। गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसका सारा थर्माकोल निकाल दिया है और जो हमने पाइप की यहाँ पर थर्माकोल लगाया था इसे भी हमने निकाल दिया है और अब इसका सारा धुआं इस पाइप की मदद से ऊपर की साइड निकल जाएगा। और अब गाइस हमें क्या करना है कि इसमें कलर कर देना है ताकि हमारी जो सिगड़ी है यानी कि स्टोव देखने में अच्छा लगने लगे। गाइस आप देख सकते हो कि हमने इसमें कलर कर दिया है और अब हमारा स्टोव कितना ज़्यादा मस्त लगने लगा है। तो चलिए अब हम इसमें आग जलाते हैं। गाइस आप देख सकते हो कि इसमें आग लग चुकी है और जैसे कि आपको पता है कि सर्दी का मौसम चल रहा है तो आप इससे कुछ इस तरीके से अपने हाथों को भी सेक सकते हो और इससे आप खाना बना सकते हो, नहाने के लिए पानी गर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आपको पानी गर्म करके दिखा दें। तो हमने एक बर्तन में पानी भर के रख दिया है और बस कुछ ही देर में हमारा पानी गर्म होने लगेगा और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे आपकी गैस और बिजली दोनों की बचत होगी और जो लकड़ियां हैं ये भी कम खर्च होंगी। गाइस आप देख सकते हो कि हमारा पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है और इससे भाप भी निकलना स्टार्ट हो चुकी है और गाइस हमारी आग की जितनी भी राख होगी वो नीचे की साइड गिरती रहेगी और हमारी आग ऊपर की साइड बनी रहेगी। इससे क्या होगा कि हमारी आग बिल्कुल भी नहीं बुझेगी और गाइस काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है तो इस वजह से इसका धुआँ कुछ आगे से निकल रहा है और बाकी का धुआँ उस चिमनी से निकल रहा है। अगर गाइस हवा नहीं चलेगी तो इसका सारा धुआं उस चिमनी से निकलेगा। तो इस तरीके से आप इससे अपना खाना पीना बना सकते हो। तो गाइस यार अगर आपको हमारा ये चूल्हा यानी कि वुड स्टोव पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।